हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त परमिंदर और मेरे चैनल लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बाजू में जोड़ लगाना और उसकी कटिंग करना और उसे शर्ट के साथ कैसे अटैच करते हैं वो हम सीखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इस बाजू की कटिंग की थी और आज हम इसमें जोड़ लगाना और कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस कपड़े के दोनों साइड पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर हमें जोड़ लगाना है, जैसे ताकि इसकी आगे पीछे सिलाई ना हो जाए, इसलिए हमें यहाँ पर निशान लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ वाला उठाएंगे और ऊपर वाले हिस्से पर इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, जो ऊपर वाला साइड है उस पर हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, और ये ध्यान रखना है कि बॉर्डर के साथ बॉर्डर को अच्छी तरह से जोड़कर फिर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी जोड़ लगा लेंगे। देखिए, ये हमारे निशान के साथ इधर भी जो निशान है उसको और नीचे से बॉर्डर को अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, ये जोड़ लगा लिया बाजू में। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। हम फ्रेंड्स, ये हमने जो हमने जोड़ डाला है वो वाला हिस्सा हम ऐसे अपनी साइड बिछाकर इसको नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि जो जोड़ वाला हिस्सा होता है वो हमेशा बाजू की पीछे वाली साइड पे अटैच करते हैं। हमेशा हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे हम, और यहाँ से देखेंगे कि कितना है कपड़ा हमारे पास। ये 10 इंच है, तो हमारी बाजू की लंबाई 16 इंच तैयार थी। तो हम बॉर्डर से इसका नाप लेंगे, तो 16.5 पर यहाँ पर निशान लगाया हमने, यहाँ से भी, और यहाँ से 16.5 यहाँ आ रहा है। अब हम 3 इंच पर इसकी गुलाई डालेंगे। नीचे से मोहरी इसकी 5.5 तैयार है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर 7.5 पर, और यहाँ से हम इसको ऐसे नीचे मिला देंगे और यहाँ से हम हल्की सी ऐसे गुलाई डाल देंगे। ये देखिए, सेंटर में से काट लेंगे इसको, हल्का सा कट लगा देंगे, और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच की गुलाई डालनी होती है। तो यहाँ से हम ऐसे निशान लगाकर इसको भी काट लेंगे। आगे के 2 हिस्से उठाएंगे हम। ये देखिए, तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम इसे शर्ट के साथ अटैच करते हैं। सबसे पहले हम नीचे का मार्जिन है जो, उसको फोल्ड कर लेंगे। टांका थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे पहले। ये दोनों साइड से हमें जहाँ तक हमारा बॉर्डर है वहाँ तक हमें इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ बाजू को जोड़ने का, जो आप आज तक आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इसमें आपको किसी भी तरह की प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है जो मैं पिछले 20 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, पहले हम क्या कहेंगे, पीछे जो पीछे वाला शर्ट का हिस्सा है उसके पीछे वाले आर्म होल का नाप ले लेंगे। ये देखिए, ये 9 इंच आ रहा है, और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही नाप ले लेंगे हम। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है आपको। ये देखिए, इधर से भी 9 इंच आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बाजू है उसको लेंगे और उसके भी जो पीछे वाला हिस्सा है, ये जोड़ वाला हिस्सा है, ये पीछे आता है हमेशा। यहाँ से सेंटर से हम, यहाँ पर मैंने कट लगाया था वहाँ से नापना शुरू करेंगे इसको, और यहाँ से भी हम ऐसे ही इंची टेप के साथ साथ कपड़े को लेते हुए
यहाँ पर 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हम उससे हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के सिलाई लगाएंगे तो जो हमारी आर्म होल का नाप है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5.5 पर मैंने मोहरी का निशान लगाया बाजू की। यहाँ से डबल सिलाई कर लेंगे और पीछे की तरफ हम थोड़ी सी सिलाई निकाल 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगाते हुए इसे बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये पीछे वाले हिस्से पर 9.5 पर पहले निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को काट देंगे। अब बाजू को सीधा करके और शर्ट के साथ अटैच करेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये बाजू चढ़ाते हैं शर्ट पर तो ये देखना पड़ता है जो आगे वाली कटिंग वाला हिस्सा है वो इधर आगे वाली कटिंग के साथ मैच करना चाहिए। जो आगे वाली कटिंग है उसका ध्यान रखना है हमें जब हम बाजू लगाएंगे। तो इसको सीधा किया है हमने बाजू को, ये शर्ट का हिस्सा जो वो उल्टी साइड है। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ बाजू को डाल देंगे। इसकी एक और ट्रिक है बाजू जड़ने की। आप जब भी बाजू जड़ें तो यहाँ पर बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई नहीं मिलानी। तो हमारा जोड़ है उसको आगे की तरफ खिसका कर 1/2 इंच या 1/2 से भी थोड़ा सा कम फिर हमें सिलाई शुरू करनी है इसकी। ये देखिए, और जो पीछे से पहले इसको हल्का सा मोड़ लेंगे हम ताकि यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इसके ऊपर वाले कपड़े को भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ कर फिर इसकी सिलाई करेंगे हम। और एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए बाजू को जोड़ लेंगे। हमें बाजू के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है ना ही शर्ट के कपड़े को। बिल्कुल धीरे धीरे से ऐसे ही कपड़े को रखकर सिलाई करते जाना है हमें धीरे धीरे इसकी। और इसके जो शोल्डर है ये फ्रंट, इसको पीछे की तरफ हमें करना है। जहाँ पर हमने शर्ट जोड़ लगाया उसको इसके पीछे की तरफ करके हमें सिलाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ना बाजू का कपड़ा बड़ा है ना ही हमारी शर्ट का कपड़ा बड़ा है और कितनी आराम से ये बाजू हमने जोड़ ली है। कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ इसमें। ये देखिए, एक ही ट्रिक है कि आपको जो शोल्डर है वो 1/2 इंच शर्ट से ज़्यादा रखना है और आपके बाजू में बिल्कुल भी कोई भी बल नहीं आएगा। अब हम इसकी डबल सिलाई कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम बाजू ऐसे लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमने ये कितनी आसानी से अपने बाजू को जोड़ लिया है और इसमें किसी भी तरह का देखिए खिंचाव नहीं आ रहा है और कितनी सफाई से ये लगी है। देखिए पीछे से भी देखिए, ऐसे दूसरी बाजू भी ये देखिए, इसमें कोई भी कहीं भी कोई भी बल नहीं है और ये कितनी फिनिशिंग से हमारी बाजू लगी है।
सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और उसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।